नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 3 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। आज है छठ का आखिरी अर्घ। आज के दिन सभी महिलाएं भोर में उठकर भगवान भास्कर को नमन करती हुई पानी में खड़ी हो जाती हैं। जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही भगवान भास्कर को अर्घ चढ़ाती हैं। अर्घ देने के बाद व्रती 7 बार पानी के अंदर परिक्रमा भी करती हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। छठ पर्व के अवसर पर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली। छठ पूजा के मौके पर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिल रही है। पुलिस के जवान और पदाधिकारी स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को पानी और मिठाई खिला रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के जवान और पदाधिकारी इन दिनों स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाते देखे जा रहे हैं। कुछ जवान मिठाइयां खिलाते हैं तो कुछ पानी से भरा ग्लास यात्रियों को थमाते नजर आते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 1 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राज्य की सभी 81 सीटों पर चुनाव होंगे। राज्य में 5 चरणों में मतदान कराने का ऐलान किया गया है। उर्दू विषय के छात्रों के लिए निकाली गई रिक्तियां। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने राजभाषा सहायक उर्दू, उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1505 पदों पर नियुक्तियां निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 4 दिसंबर 2019 के पहले इन पदों पर आवेदन भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट, उर्दू अनुवादक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ स्नातक और राजभाषा सहायक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय के साथ स्नातक अनिवार्य है। जियो फोन अब ग्राहकों को मिलेगा 699 रुपए में। ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए जियो ने जियो फोन का 699 रुपए वाला दिवाली ऑफर 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल दिवाली ऑफर से पहले जियो फोन की कीमत 1500 रुपए थी, जो इस ऑफर के तहत 699 रुपए कर दी गई थी। इस ऑफर से ग्राहकों को कीमत में सीधे 800 रुपए का फायदा हुआ था, साथ ही 700 रुपए के डेटा का अतिरिक्त फायदा भी मिलेगा। अब यही ऑफर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पटना जिले का उलार सूर्य मंदिर देश के 12 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर दुल्हिन बाजार से 5 किलोमीटर दक्षिण SH2 मुख्यालय पथ पर स्थित है। देश के 12 आर्क स्थलों के कोणार्क और देवार के बाद भगवान भास्कर की तीसरी सबसे बड़ी सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। यहाँ हर रविवार को काफी संख्या में भक्त लोग स्नान कर भगवान सूर्य को जल व दूध अर्पित करते हैं। जैविक खाद्य बनेगा बाबा गरीबनाथ के फूल और बेलपत्र से। गरीबनाथ बाबा मंदिर में चढ़ने वाले फूल बेलपत्र से जैविक खाद बनाने का निर्णय मुजफ्फरपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने लिया है। इस बाबत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में दोनों संस्थानों में प्रधान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ज्ञात हो विश्वविद्यालय ने पहले ही बाबा मंदिर पर चढ़ने वाले फूल बेलपत्र से खाद बनाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। छठ पर्व के अवसर पर सुधा दूध हो गई महंगी। कॉम्फेड के सुधा दूध और उसके दुग्ध उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बढ़ी हुई कीमतें शनिवार से ही प्रभावी होंगी। औसतन 2 रुपए प्रति लीटर की दर से सभी दूध की कीमतें बढ़ाई गई हैं। अब सुधा दूध का फुल क्रीम दूध 50 रुपए प्रति लीटर और हाफ लीटर की कीमत 25 रुपए होगी। प्रदेश में 5 चरण में होंगे पैक्स चुनाव, आधिकारिक सूचना जारी। बिहार में पैक्स चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह चुनाव पूरे बिहार में 5 चरणों में होगी। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि 11 नवंबर को पहले चरण के सूचना प्रकाशन के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 23 दिसंबर को समाप्त होगी। 5 चरणों का मतदान 9 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच होगा। सभी चरणों में हर जिले के किसी न किसी पैक्स के लिए मतदान होना है। राज्य के सभी 8463 पैक्सों में चुनाव होने हैं। सरकारी विद्यालय के इन बच्चों को कराया जाएगा पर्यटन स्थल का परिभ्रमण। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों और छात्राओं को विद्यालय के नजदीकी दार्शनिक, ऐतिहासिक तथा शैक्षणिक स्थलों का परिभ्रमण कराया जाना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों का विकास करना होगा। इसके तहत विद्यालय को 20,000 की राशि भी उपलब्ध की जाएगी, साथ ही परिभ्रमण के लिए निकले बसों को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। छठ पर्व को लेकर की गई कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था। छठ पर्व को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पटना शहर से लेकर घाटों तक पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों को जगह जगह घाटों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। वहीं घाटों पर CCTV कैमरे को भी व्यवस्था की गई है। 1600 जवान, 550 पुलिस और 450 दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी SGRF की टीम की विशेष व्यवस्था की गई है।
दबाव में एक दफे भी नहीं मगर अपनी इच्छा से 100 बार कहेंगे वंदे मातरम। बिहार विधानसभा उपचुनाव में AIMIM पार्टी के कमरुल होदा किशनगंज से विधायक बनने के बाद सदन में सदस्यता लेने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातें की और इस दरमियान कहा कि वे पक्के हिंदुस्तानी हैं, उनके पूर्वज हिंदुस्तान के ही हैं और वे एक दफे नहीं 100 दफे वंदे मातरम कहेंगे मगर किसी के दबाव में वंदे मातरम एक दफे भी नहीं कहेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में सभा सचिव बक्तेश्वर नाथ पांडे द्वारा उपचुनाव में निर्वाचित विधायकों को स्पीकर कक्ष में शपथ पत्र पढ़वाया गया। अब आइए जानते हैं मौसम का हाल। मुंगेर, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल में सुबह में धुंध और दिन भर धूप रहेगा। वहीं मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जहानाबाद में दिन में हल्की धुंध के साथ हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। बेगूसराय जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। बेगूसराय जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। काबर झील, पक्षी अभयारण्य, संग्रहालय, नौलखा मंदिर, अजात शत्रु का किला जरूर घूमने जाएं। पटना से बेगूसराय जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को लगभग 2 से 2.5 घंटे का सफर करना होगा। वहीं खुद की गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को भी 3 से 3.5 घंटे का सफर करना होगा। पहली बार माता सीता ने छठ पर्व किया था मंदार में। बांका में स्थित मंदार पर्वत की अपनी एक ऐतिहासिक विशेषताएं हैं। माता सीता ने छठ पर्व पहली बार मंदार पर्वत के जलकुंड में ही किया था। कालिदास ने मंदार पर्वत को सूर्य देव का स्थायी निवास स्थान भी माना था। वही कहा जाता है कि राजा दशरथ को श्राप था कि जिसकी मुक्ति किसी तीर्थ में नहीं हुई और मंदार पर्वत पर उसकी मुक्ति हुई। श्री राम अपने पिता का पिंडदान यही किए थे और सूर्य की उपासना की थी। इस सभी वजहों से यहाँ सूर्य को अर्घ अर्पित करने का विशेष महत्व है। 12वीं की परीक्षा के लिए मॉडल टेस्ट पेपर किया गया जारी। सभी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए। यह मॉडल प्रश्न पत्र अगले साल होने वाले बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। सभी छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, बिहार बोर्ड ने करीब 40 अलग अलग इंटर मॉडल सेट जारी किए हैं जो कि सभी छात्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं। बिहार का यह स्थल जाना जाता है ऑफबीट डेस्टिनेशन के नाम से। बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी और सासाराम को ऑफबीट डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार में स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। 2016 में इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। वहीं बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी की समाधि देखने को मिलेगी। एक समय में इस जगह को बिहार की शक्ति का केंद्र के तौर पर जाना जाता था, पर आज के समय में इस जगह को ऑफबीट डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है, जहां पर्यटक दूर दराज से घूमने फिरने आते हैं। बिहार के कई जिलों से नहीं जुड़ सकी ट्रेन और बस सेवा। बिहार में धूमधाम से मनाए जाने वाले छठ महापर्व में अक्सर घर लौटने वालों की भीड़ की संख्या बढ़ जाती है, जिसके मद्देनजर इस साल सरकार ने काफी नई ट्रेनों और बसों का परिचालन शुरू करवाया था। मगर इसके बावजूद सहरसा, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, शेखपुरा, आरा और बक्सर जाने के लिए धनबाद से ना तो किसी बस की सेवा शुरू हो पाई और ना ही किसी ट्रेन की। धनबाद से घर आने वाले लोगों को कई जगहों पर गाड़ी बदलनी पड़ती है, जिस कारण सफर कर रहे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। बिहार के आदित्य की बॉलिंग देखकर सबके उड़े होश। बिहार और त्रिपुरा के बीच हुए विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 टूर्नामेंट में आदित्य राज की शानदार गेंदबाजी का नजारा देखने लायक था। आपको बता दें, अंडर 16 बिहार टीम के कप्तान आदित्य ने अपनी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए 76 रनों पर 7 विकेट लेते हुए त्रिपुरा की टीम को महज 184 रन पर ढेर कर दिया। ज्ञात हो यह टूर्नामेंट BCCI द्वारा आयोजित किया गया था। सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम की संभाल सकते हैं जिम्मेदारी। नवनियुक्त BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली भारतीय टीम के लिए सचिन तेंदुलकर का भी योगदान चाहते हैं। गांगुली का मानना है कि युवा खिलाड़ियों को उत्कृष्ट बनाने के लिए सचिन अग्रसर होकर काम करें। हालांकि सचिन को इस नई भूमिका के लिए समझाने बुझाने की प्रक्रिया अभी शुरू हो चुकी है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो शुभमन गिल, ऋषभ पंत या पृथ्वी शॉ जैसे दिग्गज के साथ कुछ ही दिनों में सचिन वक्त बिताते हुए देखे जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद पर कसा तंज। छठ के दौरान छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री बांट रहे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार की ओर से छठ पर्व को लेकर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। एक दौर ऐसा भी देखा है कि जब 15 सालों तक बिहार में राज करने वाले लोग छठ पर्व को लेकर 15 लाख रुपए तक भी खर्च नहीं कर पाते थे। छठ के दौरान मौसम विभाग का अनुमान। छठ पूजा शुरू होते ही राजधानी में मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। धुंध के कारण दिन भर हल्की धूप ही निकल पाती है, जिसके कारण राजधानी के तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर तक सुबह में धुंध और दिन में धूप निकलेगी। सुबह शाम हवा में नमी का एहसास होगा। प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हालांकि तापमान सामान्य स्तर पर रहने की संभावना है।
आर ब्लॉक दीघा पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक दीघा पथ निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने आर ब्लॉक दीघा सड़क परियोजना के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ निर्माण कार्य की प्रगति का भी जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा निर्माण कार्य के लिए उखाड़े गए सभी पेड़ों को दोबारा से सड़क किनारे लगाने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार 5 हेक्टेयर जमीन वालों को देगी मुफ्त बोरिंग की सुविधा। बिहार के बेतिया में कृषि मंत्री ने संयुक्त कृषि भवन का विधिवत उद्घाटन करते हुए यह ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से बिहार के किसानों की आमदनी दुगनी करने की हमारी कोशिश है। इस बाबत 5 हेक्टेयर जमीन वालों को सरकार मुफ्त में बोरिंग मुहैया करवाएगी। साथ ही साथ छठ पूजा के बाद गाँव आकर किसानों की समस्या को सुलझाने का भी वादा उन्होंने किया है। छठ के दौरान घाट पर दिखा अद्भुत नजारा। अक्सर जाति धर्म के नाम पर लोगों के बीच भेदभाव देखने को मिला है, मगर महापर्व छठ में बिल्कुल इसके विपरीत नजारा देखने को मिला। छठ पूजा के दौरान घाटों की सफाई में न केवल हिंदू भाई बल्कि मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिहार के भागलपुर के मुसहरी घाट पर मुस्लिम समाज के लोगों को घाटों की सफाई करते हुए देखा गया है। यही नहीं, पिछले 5 सालों में छठ में मुस्लिम युवा और बुजुर्ग घाट की सफाई करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।